गांधी पर की गई निलंबन की कार्यवाही के खिलाफ छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक में पुतला दहन करके सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, लेकिन पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर दिया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है, इसलिए वह राहुल गांधी के खिलाफ बिना सुनवाई का मौका दिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसके पहले कमलनाथ के खिलाफ भी इसी तरह की बयानबाजी की गई थी, जिससे नजर आता है कि भाजपा कमलनाथ से कितनी ज्यादा डरी हुई है। माननीय राहुल गांधी जी की जो लोकदल की हत्या के तहत उन्होंने सदन समाप्त करी है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की है दमनकारी नीति। और हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ और देश में पैसे पहले हुए महंगाई और भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के खिलाफ जो लड़ रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी को राज नहीं आया। उन्होंने गलत तरीके से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी के समाप्त के सदस्य समाप्त करें, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आज हमारे नगर कांग्रेस कमेटी और पूरी कांग्रेस ने आज शहर में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हमने जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई हमारे महात्मा गांधी जी के सामने आज हमने सत्याग्रह किया। ये संदेश दे हम देना चाहते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने इंदिरा जी के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अरेस्ट किया था, आपने परिणाम देखा। आज हम सब कांग्रेस जन आपसे कहना चाहते हैं स्वर्ग से अटल जी करे पुकार, मर कर मोदी अत्याचार। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।